हेलो एवरीवन, तो CUET MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। और लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपके पहला क्वेश्चन है, व्हेन नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड, किस साल जो है आपका नीति आयोग एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपके 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर नीति आयोग आपके एस्टैब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब देखिए, ये पुराना डेटा है, इसके अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तेलंगाना जो है आपके, इसका जो है हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम आपके है, ठीक है। और आपकी अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका है कर्नाटका, फिर आपका है तमिलनाडु, फिर आपका केरला है, ठीक है। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर आपका है केरला, ओके, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आपके इन सभी स्टेट्स का आपका है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है, प्रेजेंट का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग इन प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर, नीति आयोग किसके लिए बनाता है आपके, तो न्यू फ्रेमवर्क फॉर जो है 5-ईयर प्लान के लिए बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर आपका वर्क हॉर्स कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का। तो प्राइमरी सेक्टर को वर्क हॉर्स भी आपके कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज, आपके इंडिया का अर्बनाइजेशन का रेट कितना था। तो याद रखिएगा, ये आपका अगर बात करें तो 31.16% आपका अर्बनाइजेशन का रेट था इंडिया में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडिया हाईएस्ट डेंसिटी, तो बिहार की इस समय आपके हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रूड लिटरेसी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 74.04% आपका क्रूड लिटरेसी रेट था। रिलेटिवली पुअर पॉवर्टी इज़ बेसिकली रिलेटेड विद, तो रिलेटिव जो पुअर पॉवर्टी होता है वो बेसिकली किससे रिलेट करता है, आपके पुअर से रिलेट करता है, नॉट की रिच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग इन 2008 प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड कमिटी टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया अंडर, किसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपका जो कमेटी था तेंदुलकर कमेटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर जो है पॉवर्टी, ठीक है। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर डिटेल आउट करते हैं। तो दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है लगभग बताया था आपके भारत में पॉवर्टी लाइन को 6 रुपीज़ to 35 रुपीज़ जो है पर कैपिटा जो है ईयर आपका, ये बताया था। पर इनका बुक का नाम याद रखिएगा, आपको लगातार ये पूछता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने अर्लियर एस्टिमेशन किया था आपके पॉवर्टी का, ठीक है। बट उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी दैट वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1938। ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का पॉवर्टी एस्टिमेशन, इसने बताया था कि आपके लगभग प्रति व्यक्ति आय जो है 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक जो है मंथ में अगर किसी का है तो वो आपके गरीब नहीं है, बट उसके नीचे है तो आपका उसको गरीब कहा जाएगा, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस के चेयरमैनशिप में आपके फॉर्म हुआ था। और फिर आपका आता है बॉम्बे प्लान, जो कि आपके 1944 में आपके आता है, 1944 में, ठीक है, बॉम्बे प्लान जिसको बोलते हैं, ये आपके 1944 में आता है, ठीक है। ये आपके याद रखिएगा रुपया 75 पर कैप पर ईयर, ये ईयरली है ना, अगर आपके इतना रुपए आप कमा लेते हो साल भर का, 1944 के आसपास का डेटा है, तो आप पॉवर्टी में नहीं हो, बट अगर इसके नीचे है तो आप पुअर कहलाए जाओगे। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखोगे कि कमीशन बनता है आपके, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बनता है 1962 में, जो कि आपके अर्बन एंड रूरल एरिया के लिए बताता है कि अगर जो है आपके अर्बन एरिया में रूरल एरिया में 20 रुपीज़ है तो वो पुअर नहीं है, बट अगर अर्बन एरिया में 25 रुपये है तो वो भी पुअर नहीं है, बट इसके नीचे होगा तो आपके वो पुअर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लानिंग, मैं थोड़ा एक दो कमीशन आपको बता देती हूँ, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, जो कि आपके बना था 1962 में, ठीक है। फिर बनता है VM डांडेकर एन एन राथ, ठीक है, VM डांडेकर
एंड एन रात, ये जो है आपके फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट करते हैं पॉवर्टी का, और बेस्ड ऑन NSS जो आपका था नेशनल सैम्पल सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग जो है एस्टिमेट करते हैं ये, ठीक है। आपके जो है पहला जो बना आपका VM डांडेकर एंड एन रात के अकॉर्डिंग कैलोरीज़ के हिसाब से इन्होंने कुछ बताया था आपका, लगभग बताया था कि अगर जो है कि कोई पुअर कब नहीं है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे था, और पर डे पे अगर कैलोरी की बात करें तो इन्होंने बताया था कि 2250 कैलोरी अगर रूरल और अर्बन में दोनों में कोई भी इतना जो है कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, ठीक है। बट ये देखिए एक्सपेंडिचर के पे आधारित था जो उन्होंने BM डांडेकर और एन राथ ने बताया था। फिर आप क्या आता है अलगा कमिटी, ठीक है, जो बनता है आपका 1979 में, ये आपके कॉन्स्टिट्यूट हुआ था टास्क फोर्स जो कि प्लानिंग कमीशन के अंडर में, उसके आपके वाई के अलगा जो इसके वो थे आपके चेयरमैन थे, ठीक है। उन्होंने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बताया था, ठीक है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर लकड़ा वाला कमेटी आपके बनी बना मतलब बनी थी 1993 में, लकड़ा वाला कमेटी बनी थी 1993 में, जो कि आपके टास्क फोर्स बना जो कि आपके DT लगड़ा वाला इसके चेयरपर्सन थे, और ये जो है आपके CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर और आपके एग्रीकल्चरल जो है लेबरर्स के हिसाब से बताते हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से इन्होंने बताया था। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्टिमेशन आपके रहा था वो तेंदुलकर कमेटी का रहा था, ठीक है, वो और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तेंदुलकर कमेटी आप याद रखिएगा कि इन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बताया था, ठीक है, ओके। और पॉवर्टी लाइन को 2005 और 2004 और 5 का एस्टिमेट लगाया था कि 33 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होगा तो आप जो है पुअर नहीं कहलाओगे, बट डिफरेंट आपके रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग था, पर ये सब कमिटीज़ आपके जो है पॉवर्टी के लिए बनी थी। तो प्री एंड पोस्ट का हमने सारा देखा, तो 2008 में कौन सा कमीशन बना तेंदुलकर, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने अपने स्टूडेंट को क्लासरूम में बताया था ये क्वेश्चन का। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो 1921 को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का था आपके 2011 में, तो आपका 940 था आपके पर 1000 मैन पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 15 का। 16 का देखेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें आपके, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था आपके 914, है ना, आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो में फीमेल 914 थी, उसके ऊपर 1000 आपके मेल पे। नेक्स्ट आपका स्कीम है TRISEM, है ना, अभी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका स्कीम था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। आपकी कब स्टार्ट हुआ था, 1979 में स्टार्ट हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टीज टू रूरल BPL पीपल हु आर एज्ड 18 to 35 एज ग्रुप, ओके, तो 18 से लेके 35 वर्ष के जो आपके रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टीज देना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि था ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूरल पर्सन टू मिनिमम कैलोरी नीडेड टू रीच अबव द पॉवर्टी लाइन, कितना जो है आपके रूरल पॉपुलेशन को ज़रूरत होता है आपके अबव पॉवर्टी लाइन पर जाने के लिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपके 2400 कैलोरी आपके चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन था, देखिए ये सब आपको पॉलिसीज पढ़ के जानी है ना, पेपर में इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा NRY यानी नेहरू रोजगार योजना जो कि 1989 टू 90 के आसपास स्टार्ट हुआ था आपका, ये जो है अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कौन सा था आपका, याद रखिएगा सी वाला,
इसमें है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, SJSRY, जो कि आपके स्टार्ट हुआ था 1997 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमिनेंट इन इंडिया, कौन सा आपके टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया में, उसकी बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो उसकी वजह से आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 प्रोवाइड्स, ये किस चीज़ के लिए फूड सिक्योरिटी आपके प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 देख लेते हैं, इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू HDI इन 2022, 2022 के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, अगर हम उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 132। 2023 का अगर डेटा आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 27 की बात करें, गिनी कोफिशियंट ऑफ इंडिया इन 2021 एस, गिनी कोफिशियंट कितना है आपके इंडिया का, तो 2021 के डेटा के हिसाब से तो 82.3 आपका जो है गिनी कोफिशियंट था इंडिया का। नेक्स्ट आपका, व्हेन डिड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 कम इनटू फोर्स, कब आपके ये फोर्स में आता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके 5 जुलाई 2013 को जो है ये आपके फोर्स में आया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट HDI वैल्यू, तो यहाँ पर आपका केरला का है, फिर उसके बाद गोवा का है, फिर आपके चंडीगढ़ का है, ठीक है, चंडीगढ़। इसका आपके अगर हम बात करें तो HDI में, तो आपका पहला किसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपके इंडेक्स, तो यहाँ पर आपके सबसे पहले केरला, फिर गोवा, फिर चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस आपके कितना रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपको पता चला है ना आपका पॉपुलेशन 142 जो है करोड़ के आसपास समथिंग है आपके, 80 आई थिंक, तो ये भी पता चला है, तो अभी पॉपुलेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कितना था आपके, 1.64% था, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011 सेंसिस, 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो है आपके एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंडिया में कितना था, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 54.6% है। प्रेजेंट का कितना है ज़रा ये हमें डेटा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्लास में वैसे भी मैंने बताया हुआ है। व्हाट वाज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन 2020-21, आपकी कंट्रीब्यूशन कितना था आपके प्राइमरी सेक्टर 2020-21 में आपके इसमें, तो अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 21.82% था GDP में कंट्रीब्यूशन किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पहली बार न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी आपकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम बेनिफिट किसका था आपके ग्रीन रिवोल्यूशन में, ग्रीन रिवोल्यूशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1966 में स्टार्ट हुआ था MS स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहा था आपके पंजाब हरियाणा और यूपी के कुछ ईस्टर्न रीजन में। नेक्स्ट आपका 34 है, ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब को आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स न्यू आइडिया ऑफ इरीगेशन फर्टिलाइज़र एंड न्यू सीड्स, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके इंक्लूड की गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन का फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज दोनों पढ़ लीजिएगा, है ना, ये मैंने क्लासेस में करवाया, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, अगर आप लोग किसी और कोर्सेज से होंगे, बट आप कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट आपका विच आर खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप कौन सा है यहाँ पर, तो हम बात करें तो यहाँ पर 36 का आपके सारा है ना, मेज़ कॉटन है ना, शुगर केन, ये सारे क्या है आपके खरीफ क्रॉप है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द मेन वीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, आपके मेन वीट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है आपका, 37 की बात करें तो 37 का आपका हो जाएगा ए पंजाब,
कॉमर्शियल क्रॉप यहाँ पर कौन सा है आपके 38 का, तो याद रखिएगा टी इज़ द कॉमर्शियल क्रॉप। टिनेंसी रिफॉर्म इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड आपके टिनेंसी रिफॉर्म, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव रेगुलेशन ऑफ, इसमें रेगुलेट किया गया था रेंट को, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को एंड कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट, इसमें सारी टिनेंसी रिफॉर्म में चीज़ें देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। PDS क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ गिवन बाय, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होता है वो किसके द्वारा आपको दिया जाता है, तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव्स के द्वारा, RRB, रीजनल रूरल बैंक, आपके नबार्ड के द्वारा दिया जाता है, ऑल ऑफ द अबव सारे करेक्ट है। नबार्ड का स्थापना वर्ष क्या है, RRB का स्थापना वर्ष क्या है, ज़रा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आपका, इंडिया इज ग्रीन रिवोल्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल इन प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में मोस्ट सक्सेसफुल रहा था इंडिया का ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वीट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। रीजनल रूरल बैंक वॉज स्टार्टेड, अब देखिए ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट पूछा और देखिए आपका आ भी गया, तो रीजनल रूरल बैंक कब स्टार्ट हुआ था अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके 1975 में आपका रीजनल रूरल बैंक आपके स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज, कौन सा था आपके, ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन सा आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो यहाँ पर 1948 में। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज़ आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो था, उसमें कितने इंडस्ट्री रिजर्व की गई थी इन जो है आपके पब्लिक सेक्टर के लिए, तो 46 का याद रखिएगा कि आपका बी करेक्ट है, 8 जो है आपके SSI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, किस इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, सेल वॉज सेटअप इन, सेल का आपकी सेटअप कब हुआ था, 1973 में, इसको केम इन टू कंट्रोल ऑफ, इसको किसके कंट्रोल में आपके आता है, तो ये अभी आपके सेल के आता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1918 में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक, तो ये कब जो है आपका हुआ था, 1969 में जो है स्टार्ट हुआ था आपका मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इवर ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया था पहली बार, और ये देखिए क्वेश्चन मैंने अपने क्लासरूम में भी करवाया है आपके MS स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट आपका, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन, किस ईयर आपका स्टैब्लिश हुआ था, तो याद रखिएगा 1918 में, 1918 में। द फादर ऑफ आयरन स्टील कंपनी के जो है फादर कौन कहे जाते हैं आपके, जमशेद जी टाटा। बोकारो स्टील प्लांट स्टार्टेड किस फाइव ईयर प्लान में आपके हुआ था, 54 की अगर हम बात करें तो थर्ड फाइव ईयर प्लान में हुआ था, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टार्ट हुआ था, और किसके किसके हेल्प से हुआ था ये भी कमेंट करिएगा, ये भी क्लासरूम में बताएगा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO प्रेस्क्राइब एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ एज अनफेयर कॉम्पिटिशन की तरह बात किया जाता है इसमें, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दिया जा रहा है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज़ एन, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है आपका, आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, 1973 द वर्ल्ड मोर और लेस हैड आपके क्या था, 54 का अगर हम बात करें तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका जो है यहाँ पर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशनल गेन फ्रॉम ट्रेड इज़ मेजरेबल फंक्शन ऑफ, तो किसका मेजरेबल फंक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, क्रेडिट एंड चेंज इन प्राइजेस कॉज बाई ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आउटवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज आर नॉट एसोसिएटेड विथ, किससे आपके एसोसिएट नहीं करता है आउटवर्ड अगर लुकिंग की बात करें तो, लर्निंग बाय डूइंग से रिलेट नहीं करता, जबकि मल्टीपल इंटरेस्ट प्राइसेस से रिलेट करेगा, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल से की बात करेगा, ओपन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्ट कोटा इज, इम्पोर्ट कोटा क्या है आपका, तो याद रखिएगा ये नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है, कोई जो है टैरिफ नहीं लगा है, बट नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें आपके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, तो ये विजिबल ट्रेड होता है, विजिबल आइटम में आपके आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ट्रेड पॉलिसी मेजर्स द करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, एक्सक्लूड एक्सपोर्ट प्रमोशन, या और क्या करता है आपके, तो यहाँ पर दोनों, ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट कंट्रोल की बात करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो किस तरीके का सिस्टम होता है? आपको आपने पढ़ा भी होगा आपके एग्जाम में, ये आने वाला इससे क्वेश्चन एक, तो ये डबल एंट्री आपको देखने के लिए मिलती, क्रेडिट एंड आपके डेबिट साइड होता है, यानी आपके करंट और कैपिटल अकाउंट होता है। कन्वर्टिबल टेबिलिटी ऑफ डॉलर वॉज फॉर्मली अबंडेंट इन, कब आपके अबंडेंट हुआ था? तो अगर इसकी बात करें तो 64 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ईच मेंबर ऑफ IMF इज असाइंड अ कोटा एक्सप्रेस्ड इन, स्पेशल ड्रॉइंग राइट की बात करता है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम दैट एग्जिस्ट फ्रॉम 1947 to 71, ये किस पे काम करता था? आपके पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे काम करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पेग्ड वर्ड से कन्फ्यूज मत होइएगा, पेग्ड वर्ड मतलब आपका है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आपके काम करता था। उसके बाद हमने देखा था 71 के बाद क्या होने लगा, आपके कन्वर्टेबल होने लगा, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपके काम करने लगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 67, और इसमें लॉट्स ऑफ हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट हमारा, द फंडामेंटल कॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज, यहाँ पर आपके ब्रेटन वुड जो सिस्टम था वो कोलैप्स क्यों कर गया था? क्या यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी या फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल, कब आपके अनफेवरेबल होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन आपके एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हैड सरप्लस, कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सरप्लस रहा था? तो 5th ईयर प्लान में रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। मुदालियर कमेटी इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड आपका मुदालियर कमेटी था? यहाँ पर याद रखिएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एग्जिम बैंक सेटअप इन, एग्जिम बैंक आपका कब सेटअप हुआ था? तो 1982 में आपका एग्जिम बैंक सेटअप हुआ था। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ करंट पोजीशन ऑफ कंट्रीज इन ट्रांसफर ऑफ बोथ इनविजिबल एंड विजिबल आइटम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एट करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं टेस्ट पे भी लगा दूंगी आपके जो टेस्ट सीरीज़ है, और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे हम और भी क्वेश्चन लाते रहें। जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।